शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए हैं। वो हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर वापस आया है। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा हमारे कायद ने जेलें काटी, साजिशें बर्दाश्त की मगर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। एक लीडर पर मुश्किल आई तो उसकी जमात के टुकड़े टुकड़े हो गए। मजीद कहा 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली आ रही है, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करने वाला आ रहा है, दावत देने आई हूँ, सब नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने चलोगे। चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात अदालतों में हैं, धांधली की पैदावार दोबारा आए, ये सवाल पैदा ही नहीं होता। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी नज़र में चेयरमैन पीटीआई पहले ही नाअहल हैं, अदालतें भी नाअहल करार दे दें तो मोहर लग जाएगी। मुल्की मईशत की तबाही के जिम्मेदार चेयरमैन ही हैं, उन्होंने मुल्क को मुआशी लिहाज से दलदल में गिराया। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी इख्तियार है, हम अपने नजरियाती हदफ पर कायम हैं। चेयरमैन पीटीआई की 9 जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी महफूज फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थीं। पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया था कि 9 जमानत की दरख्वास्तें मुतालिका अदालतों में जेर इल्तवा समझी जाएँ। मुखालिफीन की खुश फहमियों और गलत फहमियों के खात्मे का दौर है, 29 जलसों में ये आज पहला जलसा है। कराची मुनीर में एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार का खिताब, कहा वो डेरों और जागीरदारों के मुंह से हकूक छीनने का दौर है। एक नेशनल असेंबली और 3 सूबाई असेंबली की नशस्तों की बाजियाबी का दौर शुरू हुआ, जिनके आधे वसाइल पर हमारा हक है। पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा औलाद को हल्का ना लो, खालिद मकबूल सदीकी बोले हम मंजिल पर जनाजे उठाकर नहीं झंडे उठाकर पहुंचेंगे, कराची अब अपना हक लेकर रहेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। निगरान वफाकी काबीना का इजलास 4:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में मुल्की माशी और अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब को मेरा मशवरा होगा, वो भले आती है, मेरा मशवरा होगा कि वो अपने जो दायरा इख्तियार है या उनकी जो जिम्मेदारी है उसी तक अगर वो रहेंगे तो उनके लिए आसानियां होंगी। वो इस मुल्क के ऊपर इस तरह के मुबैसे करेंगे तो वो अपने आप को मतनाजा बनाएंगे, तो बेहतर है वो ना करें। भी हमारी जमात की इसके ऊपर मीटिंग होगी और मेरा ख्याल है 3-4 तारीख को ये मीटिंग होगी और उसके बाद हम बता सकेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन से भी एक मीटिंग करेंगे, तभी हम आपको बता सकेंगे कि हमारे उसके ऊपर तहफात। निगरान वज़ीर आज़म दायरा इख्तियार में रहेंगे तो उनके लिए आसानियां होंगी। कमर जमान कार्य की प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू, कहा सब पार्टियां जलसे कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन अब शेड्यूल भी जारी कर दे। सियासतदानों की मीटिंग सियासत से मुतालिक ही होती है। आसिफ जरदारी ने अपने दौरे लाहौर में मुलाकातें की हैं, पापन रिपोर्ट पर हमारी पार्टी की मीटिंग होगी। में पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर हमला, छत पर मौजूद अहलकार की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए, बुजदिल दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार हो गए। हमले में हेड कांस्टेबल हारून खान ने जामे शहादत नोश किया, हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। जुबैर नवाज और मोहम्मद खान का ताल्लुक टीटीपी से था। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कंडल चेक पोस्ट का दौरा, कहा कि हमले में बैरूनी हाथ मुलविस है। मस्तूम के शहदा की तादाद 61 हो गई, सीएमएच क्वेटा में 18 जेरे इलाज, 3 की हालत नाजुक। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे भर में योम सोग, सूबाई वजीर इतलात जान अचकजई कहते हैं कि धमाके के शहदा के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, शदीद जख्मियों को 5 और मामूली जख्मी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। विफाकी हुकूमत से रबते में है ताकि पैकेज को मजीद बढ़ाया जाए। में मुफ्ती कैसर कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त, पुलिस ने वाकया टारगेट किलिंग करार दे दिया, 9 mm की 8 गोलियां फायर की गईं, मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल के लवाहिकीन ने अब तक राबता नहीं किया। तुर्किया में पार्लियामेंट के सामने खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, एक दहशतगर्द ने वजारत दाखिला के गेट पर धमाका किया, दूसरे ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में मारा गया। हमले के मुकाम से लाइट रॉकेट लॉन्चर भी मिला, दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। अंकरा में हाई अलर्ट जारी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत, कहा तुर्क आवाम से मुकम्मल जगजहती करते हैं।
पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की मुश्तरका मशकें। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मशकें बरूथा में मुनाकिद की गईं। दोस्त ममालिक के फौजी अफसरान ने आखिरी रोज मशकें देखी। स्पेशल फोर्सेज ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। मशकों का मकसद बरादराना ताल्लुकात और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताबून को फरोग देना था। दो हफ्ता जारी रहने वाली काउंटर टेररिज्म मशकों में पाकिस्तान, कजाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। और सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन, मुस्बत नतीजे सामने आने लगे। सितंबर में रुपया नंबर वन रहा, दुनिया भर की करेंसीज को पीछे छोड़ दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में डॉलर के मुकाबले पर पाकिस्तानी करेंसी में 6.2% बेहतरी आई। 20 रोज में डॉलर अपनी सबसे ज्यादा कदर से 17 रुपये से जायद नीचे आ चुका है। IMF ने हदब से ज्यादा महसूल जमा करने पर FPR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। FIA की हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन। 1.5 माह के दौरान 239 मुलजमान गिरफ्तार, 170 मुकदमा दर्ज। 66 करोड़ से ज्यादा मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। 27,08,000 से ज्यादा अमरीकी डॉलर बरामद हुए। सोने और चांदी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FIA की तुरखम और अंगूरडा बॉर्डर पर कार्रवाइयाँ। 62 तोले सोना, 56 किलो चांदी और 300 मोबाइल फोन बरामद। शहर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। लेस्को का 5 अजला में ऑपरेशन, 10,892 बिजली चोर पकड़ लिए। तर्जुमान का कहना है कि 23,152 FIR दर्ज की गई। 14,33,00,000 रुपए की रिकवरी कर ली। सिक्योरिटी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि 75% बिजली सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से चोरी होती है, वहाँ सिर्फ 725 गिरफ्तारियाँ हुई। माशी बहाली के समरात आवाम को मिलने लगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 11 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 318 रुपये 18 पैसे होगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर मार्जिन में 88 पैसे का मजीद इजाफा। पेट्रोल पर तेल कंपनियों का फी लीटर मार्जिन 47 पैसे और डीलर्स मार्जिन में 41 पैसे का इजाफा। पेट्रोल पर OMC मार्जिन 6.47 रुपये से बढ़कर 6.94 रुपये हो गया। डीलर्स मार्जिन 7.41 रुपये से बढ़कर 7.82 रुपये फी लीटर हो गया। पेट्रोल 50 रुपये लीटर महंगा करके 8 रुपये की कमी कौम से मजाक है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की लाहौर में गुफ्तगू, कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत 150 रुपये फी लीटर मुकर्रर की जाए। मौजूदा मुल्की सूरत हाल की जिम्मेदार तीनों हुक्मरान पार्टियां हैं। बिजली के बिल आवाम के लिए मौत का परवाना बन रहे हैं। हुक्मरानों ने सूदी निज़ाम का फंदा आवाम की गर्दनों में डाला है। सदर, वज़ीर आज़म से लेकर सिपाही तक कहता है कि हालात ख़राब हैं, आवाम ने साथ दिया तो हम मईशत को भी ठीक करेंगे। गुर्दे निकालने वाला ग्रोह पकड़ा गया। गिरफ्तार 8 मुलजमान में एक डॉक्टर भी शामिल। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुलजमों को पैबंदकारी के लिए गैर मुल्कियों से करोड़ों रुपए मिलते थे। ग्रोह में शामिल डॉक्टर फवाद ने 328 गुर्दे निकालने का एतराफ किया है। गैंग लाहौर, टेक्सला और कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था। ऑपरेशन घरों में किए जाते थे। गैर कानूनी ऑपरेशन करने पर डॉक्टर फवाद पहले भी 5 मरतबा गिरफ्तार हो चुका है। ऑपरेशन में मुआवनत करने में एक मोटर मैकेनिक भी शामिल है जो मरीज को बेहोश करता था। एवेस्टन इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा, मजमुई तादाद 82 हो गई। न्यू अस्पताल लाहौर में मरीजों की तादाद 23 हो गई। 23 में से 5 मरीजों की दोनों आंखों की बिनाई, बाकी मरीजों की एक आंख की बिनाई जाया हुई। सूबे में आशुबे चश्म बेकाबू, 1,134 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 236, मुल्तान में 113, फैसलाबाद में 35, बहावलपुर में 34 केसेस सामने आए। स्कूल्स को मजीद एक हफ्ता बंद रखने का फैसला मुतवक्के। कराची में ख्वातीन को हरासा करने का एक और वाकया। बहादुर तालिबान ने मुलजिम की वीडियो बना ली। शहर में रवां साल ख्वातीन को हरासा करने के 7 से ज्यादा वाकयात पेश आए। हरासा करने के वाकयात गुलिस्तान जौहर, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन में रिपोर्ट हुए। इन वाकयात में पुलिस तहाल बेशतर मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। जीतने के लिए शाहीनों ने लहू गरमाना शुरू कर दिया। हैदराबाद दक्कन में प्रैक्टिस सेशन, स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने तरबियती मश्क में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया से दूसरा वार्म अप मैच मंगल को खेला जाएगा।
इवेंट में कौमी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। रिवायती हरीफ भारत से टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की खिदमत हासिल हो गई। इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर के हेड कोच इंग्लैंड से भारत पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मिकी आर्थर वर्ल्ड कप के अलावा दौरे ऑस्ट्रेलिया पर भी दस्तियाब होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज दिसंबर के वस्त में 7 जनवरी तक खेली जाएगी। एशिया कप में मिकी की अदम मौजूदगी को शायकीन समेत साबिक क्रिकेटर्स ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। बैट्समैन इफ्तिखार अहमद को भारत में नया ट्रेनर मिल गया। वर्ल्ड कप के लिए जिम में मोहम्मद नवाज के हमरा भरपूर तैयारी। नवाज की इफ्तिखार को जिम के दौरान टिप्स। इफ्तिखार ने एक्स पर वीडियो लगा दी। नवाज को अपना ट्रेनर करार देकर शुक्रिया अदा किया और कहा, खूब ट्रेनिंग करो और हमेशा आजजी दिखाओ। पोस्ट का भारतीय फौज के सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे का तज्जिया। भारतीय मनगढ़ंत ऑपरेशंस और तारीफी जाली फेसबुक अकाउंट्स का रासफाश। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने जाली अकाउंट्स का वसीन नेटवर्क बना रखा है। पाकिस्तान चीन मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। फेसबुक के मुतादिद वर्कर्स के भी भारतीय प्रोपेगेंडे में मुलव्वस होने की तस्दीक। भारत में सिफारतखाना बंद करने का ऐलान। सफारतखाने ने भारतीय वजारत खारजा को बंदिश से मुतालिक खत भेज दिया। लिखा, तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से 3,000 अफगान तलबा और शहरी अब भी वीजों के इजरा के मुंतजर हैं। खत के मुताबिक भारतीय हुकूमत की अफगानिस्तान को नाकाफी सिफारती हिमायत को भी सफारतखाने की बंदिश की बड़ी वजह करार दिया गया। हुकूमती खराजात का बिल मंजूर कर लिया। शटडाउन का खतरा टल गया। 209 डेमोक्रेट्स और 126 रिपब्लिकन्स ने बिल की हिमायत में वोट दिया। ऐवान नुमाइंदगान ने 45 रोज के खराजात का बिल मंजूर किया है। मंजूर होने वाले बिल में यूक्रेन जंग के लिए कोई रकम नहीं रखी गई। सदर बाइडेन के दस्तखत के साथ बिल कानून बन जाएगा। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ की आज दूसरी बरसी। 2 साल कबल आरज़ाए कल्ब के बायस उनकी वफात जर्मनी में हुई थी। उमर शरीफ ने 70 से ज़ायद ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे, जिनके मुसन्निफ हिदायतकार और अदाकार वो खुद थे। इन ड्रामों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए, बेशुमार अवार्ड जीते। फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का आज योम पैदाइश। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए। लिबास, हेयर स्टाइल और मुनफरद अंदाज़े बयां के सबब लॉलीवुड में वहीद मुराद जैसी मकबूलियत किसी दूसरे हीरो के हिस्से में नहीं आई। 125 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 38 ब्लैक एंड वाइट और 87 कलर फिल्में शामिल हैं। वहीद मुराद को सितारा इम्तियाज, लाइफ टाइम अचीवमेंट और निगार अवार्ड से नवाजा। खौफनाक तरीन आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। इस आवाज़ को कदीमी जबान में मौत की सीटी कहा जाता था। साइंसदानों का कहना है कि 16वीं सदी तक इंसानी खोपड़ी से निकाली गई आवाज़ को जंगों में दुश्मन को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।